हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। अब तक हमने ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा दिया था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन और SNI रिएक्शन आपको पढ़ाया, ठीक है। उसकी सारी मैकेनिज्म ठीक ठाक सिखा दी है। जितना मैंने वीडियो में पढ़ाया, अगर उसको आप प्रॉपर एक नोट्स बना करके पढ़ते हैं, विश्वास मानिए उससे कठिन क्वेश्चन बनने का कोई तुक नहीं है, उससे ज़्यादा कोई कठिन सवाल आता ही नहीं है, ठीक है। आपको बस एक काम करना है कि प्रैक्टिस खूब करना है, जहाँ से कहीं से एग्जाम्पल मिले उसको करने की कोशिश करिए। उस रिएक्शंस को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतने कम टाइम में क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्योंकि जो आज का कंपटीशन है वो इस बात का नहीं है कि आपको कितना आता है, आज का कंपटीशन सिर्फ इस बात का है कि कम से कम टाइम में कितना जल्दी आप सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो आपकी रेट ही आपके सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। ओके, तो फिलहाल हम आज शुरुआत करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे सवाल बनेंगे। एल्कीन के चैप्टर में हम इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इसका, ठीक है। एल्कीन एल्काइन के फॉर्मेशन में इसका यूज़ किया जाएगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन नाम में ही देख करके समझ में आ रहा होगा, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट करना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी को हटा करके किसी को लगा देना। तो पहले हम एक अंतर पढ़ते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि देखो भैया, CH3 पर एक X लगा दो। अगर मैं किसी न्यूक्लियोफाइल से क्या करूँ, इस पर अटैक करवाऊँ इस कार्बन पर, और ये निकल कर ही बाहर आ जाए, लीविंग ग्रुप बाहर आ जाए, तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा CH3 की जगह पर, और कौन बाहर आ जाएगा? X नेगेटिव बाहर आ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, एक आया दूसरा निकल गया, इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। सिर्फ एक लग रहा है लेकिन दूसरा हमें निकालना पड़ रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। SN रिएक्शंस होती हैं। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं, उनमें किसी दो लोगों को हटाना पड़ता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, एक को हटा के एक लगाना होता है, एलिमिनेशन में दो को हटाना। तो दो को हटाने का एक तरीका देख सकते हो, जैसे यहां पे मैं अगर लिख दूं कि CH2 हाइड्रोजन, फिर अगला लिखूं CH2 और हैलोजन, ठीक है। इस पर अब जो कोई भी चीज यूज करिए, अगर वो बेस का काम करे, अगर वो किसका काम करे? बेस का काम करे। अगर आप कोई बेस लेते हो तो वो बेस का काम क्या होता है भाई? H+ हटाना। तो यहाँ का H+ क्या करेगा? हट जाएगा और ये यहाँ पर आएगा और X निकल के बाहर आ जाएगा। इस तरीके से क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और निकला क्या? ये H और ये X, तो क्या निकला? HX एलिमिनेट हो गया, ठीक है। इसको बोलेंगे कि एक ही मॉलिक्यूल से दो लोग निकले, एक H निकला एक X निकला। H और X अगर दो लोग एक साथ निकले तो इसको एलिमिनेशन बोला जाता है। और एलिमिनेशन रिएक्शंस में दो सिग्मा बॉन्ड, ध्यान सुनना इस लाइन को, एलिमिनेशन रिएक्शंस में दो सिग्मा बॉन्ड हट करके एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। एक सिग्मा ये और एक ये दोनों हट के क्या बनाते हैं? एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो शायद आपको एलिमिनेशन रिएक्शन समझ में आई होगी। ओके, अब मैं टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन की बात करता हूं। तो पहले टाइप समझिए, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड गामा एलिमिनेशन, ठीक है। अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है? अल्फा शब्द का मतलब समझेंगे पहले कि देखिए, जैसे मान लीजिए एक नाम यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं कार्बन लिख दूँ, तीन कार्बन लिख देता हूँ, ठीक है। इन तीन कार्बन पर, इस वाले कार्बन पे मान लीजिए कि मैं एक कोई लीविंग ग्रुप लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? एक कोई लीविंग ग्रुप लगा देता हूँ। तो इस लीविंग ग्रुप से, जैसे लीविंग ग्रुप क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, और H3O पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, SR2 पॉजिटिव, ऐसी कोई चीज़ लगी हो तो उसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। उसके बगल वाले को क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। और उसके तीसरे नंबर वाले कार्बन को बोला जाता है अल्फा बीटा गामा कार्बन, ठीक है। तो लीविंग ग्रुप के जस्ट बगल वाला अल्फा, उसके बगल में बीटा, उसके बगल में क्या होता है? गामा होता है। इसी के आधार पर इनका नाम बना है, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन, ठीक है। तो जैसे देखिए, अगर यही समझ लीजिए एग्जांपल, अगर मान लीजिए यहां पर H है और ये H और ये लीविंग ग्रुप दोनों हट जाएं, ध्यान सुनना, एक ही कार्बन पर प्रेजेंट ये हाइड्रोजन और ये लीविंग ग्रुप दोनों निकल के बाहर आ जाएं, तो इस कार्बन की दो वैलेंसी खाली हो जाएगी, दो वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अल्फा एलिमिनेशन। क्यों बोल रहे हैं अल्फा? क्योंकि एक ही कार्बन से दो लोग गायब हो गए, एक ही कार्बन से दोनों लोग गायब होंगे, उसको बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन या 1-1 एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन को और क्या बोला जाता है? 1-1
इलिमिनेशन, वन वन इलिमिनेशन का मतलब समझ रहे होंगे एक ही जगह से दोनों का हटना, ठीक है। लेकिन अगर बीटा पोजीशन पर, ये जो बीटा पोजीशन था, इस बीटा पोजीशन पर मान लो ये हाइड्रोजन और ये लिविंग ग्रुप हट जाए, बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन और ये लिविंग ग्रुप हट जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, बीटा इलिमिनेशन। तो बीटा पोजीशन कौन सा होगा, वन टू, तो इसको क्या बोलेंगे, वन टू इलिमिनेशन, इसको क्या बोला जाएगा, वन टू इलिमिनेशन, ठीक है। उसी तरीके से अगर गामा पोजीशन पर कोई हाइड्रोजन लगा हो, गामा पोजीशन पर कोई हाइड्रोजन लगा हो, ये हाइड्रोजन और ये लिविंग ग्रुप हट जाए, तो क्या होगा, वन थ्री इलिमिनेशन, ठीक है। सेम तरीके से आप लिख सकते हो, वन थ्री इलिमिनेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो नाम कैसे लिखते हैं, अल्फा बीटा गामा, वन टू, ये वन वन, वन टू एंड वन थ्री इलिमिनेशन। अब हम इनके एग्जांपल देख लेते हैं। अल्फा इलिमिनेशन में CHCl3 लिया है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाई जा रही है OH नेगेटिव के साथ। इस रिएक्शन को आप पढ़ते हैं रीमन टीमन रिएक्शन के अंदर, ठीक है, जो आगे चल के मिलेगा। फिलहाल हम सीखते हैं अल्फा इलिमिनेशन क्या है। देखिए, क्लोरोफॉर्म के साथ अगर OH नेगेटिव दिया गया है, तो OH नेगेटिव यहाँ बेस का काम करेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक होने वाला। कैसे, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, देखिए क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, इस कार्बन पर डेल, थोड़ा सा डेल प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, डेल प्लस चार्ज आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से खींचने लग जाएगा। आप ऐसे समझ लो कि कार्बन भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि क्लोरीन इससे खींचेगा तो कार्बन भी खींचेगा। तो हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा, डेल प्लस चार्ज आएगा, और इस डेल प्लस चार्ज की तरफ कौन आएगा, OH नेगेटिव। तो ये OH नेगेटिव यहां से H प्लस उठा लेगा। भाई यहां पर कैसा कंडीशन आ रहा है, H पर कैसा आ रहा है, डेल प्लस, ठीक है। डेल का मतलब समझ रहे होंगे छोटा चार्ज, पार्शियल चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज। तो यहां से दो, जो इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन थे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके कहां चले जाएंगे, कार्बन के ऊपर, ठीक। क्या हो गया, OH नेगेटिव ने क्या उठा लिया यहां से, H प्लस, तो क्या निकलेगा भाई, वाटर। बात समझ आ रही होगी भाई, ये OH नेगेटिव यहां से H प्लस उठाएगा तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और कार्बन पे क्या छोड़ के चला गया भाई, कार्बन पर नेगेटिव, यहां पर क्या लगा रहेगा, क्लोरीन, क्लोरीन और इस तरीके से क्लोरीन, ठीक। जैसे ही ये बनता है, तुरंत ही यहां से एक Cl नेगेटिव निकल के आगे आ जाता है, Cl नेगेटिव निकल के बाहर आएगा। तो यहां पर देख सकते हो आप, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कौन भग गया, क्लोरीन, तो क्लोरीन निकल जाएगा यहां से, Cl नेगेटिव निकल जाता है। जब Cl नेगेटिव हटाओगे तो कार्बन का नेगेटिव लेके कौन चला गया, क्लोरीन। तो आप ऐसे समझो क्या बचा, एक कार्बन जिस पर क्या रहेगा, क्लोरीन एंड क्लोरीन। और अपने पास देखिए, ये क्लोरीन तो लेके चला गया, इस कार्बन के पास क्या बचेगा, दो इलेक्ट्रॉन बचेगा। बात समझ में आई क्या, तो कार्बन के पास ये दो इलेक्ट्रॉन बचे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के खुद के हैं, ठीक है, खुद के लोन पेयर टाइप है, लेकिन लोन पेयर का बिहेवियर अलग होता है, ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। तो कार्बन पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन और क्लोरीन। लेकिन कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर आपसे पूछूं मैं कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बन जाता है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, जिसको हम बोलते हैं, कार्बन पर इस तरीके से होता है तो उसको बोला जाता है कार्बीन। इसको क्या बोला जाता है, कार्बीन। और कार्बीन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बीन एक क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि अभी तो ये दो रिएक्शन के, मतलब जो कोई रिएक्शन चल रही है उसके बीच में ये बनता है, फिर ये किसी और से रिएक्शन करता है, तब जाके प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो इसकी कंप्लीट रिएक्शन और मैकेनिज्म आपको रीमन टीमन रिएक्शन के अंदर मिलती है। तो फिलहाल हमें क्या समझाना था, अल्फा इलिमिनेशन, बस मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। अल्फा इलिमिनेशन देखिए क्या हुआ, यहाँ से हमने क्या क्या हटाया, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया और क्लोरीन हटाया। इन दोनों को ध्यान से देखो क्या कम हो गया, H और क्लोरीन, यहाँ H और क्लोरीन हटाने के बाद ही तो ये मिला, ठीक है। हमने एक कार्बन से हाइड्रोजन हटा दिया, क्लोरीन भी हटा दिया, तब हमें ये जाके कार्बीन मिलता है, जो कि एक रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि CHCl3, क्लोरोफॉर्म से H और Cl गायब करने के बाद क्या मिलता है, डाई क्लोरोकार्बीन बनता है। इसका नाम क्या है, डाई क्लोरोकार्बीन, दो क्लोरीन है ना, तो नाम है डाई क्लोरोकार्बीन बनता है बाई यूजिंग अल्फा इलिमिनेशन मैकेनिज्म। क्लियर है भाई, ओके। अब आते हैं बीटा इलिमिनेशन में। बीटा इलिमिनेशन में देखो,
उसी तरीके से मैंने एग्जांपल बनाया हुआ है, आर ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव एंड हीट दिया हुआ है, ठीक है। हीट क्या, अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, हीट क्या करता है, थोड़ा इलिमिनेशन करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आर ओ नेगेटिव का जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से क्या ले जाएगा, एच प्लस, यहाँ से एच प्लस उठाएगा, तो एच प्लस में तो इलेक्ट्रॉन रहता नहीं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, इन दोनों कार्बन के बीच में, और ये दोनों कार्बन और ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ब्रोमीन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट बना लो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ से हमने क्या आया, हटा दिया हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड CH और CH3, हमने क्या हटाया भाई, ये H प्लस हटा दिया, RO और H हट गया, और ये ब्रोमीन भी हट गया, तो दो वैलेंसी खाली हुई यहाँ और यहाँ, इसको कैसे भरेंगे, पाई बॉन्ड से, पाई कौन बनाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से क्या बना दिया हमने, दो सिग्मा बॉन्ड, देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, हट गया क्या बन गया, एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी वही, एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा, दोनों सिग्मा हट के क्या बन गया, पाई तो नहीं बना लेकिन दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक तरीके से बता दिया कि यहाँ पर इलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, क्या हटाया हमने, HBr, ठीक है। यहाँ पे किसका इलिमिनेशन हुआ, तो लिख सकते हो इलिमिनेशन ऑफ HBr, इलिमिनेशन ऑफ HBr के बाद ये बनता है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बीटा इलिमिनेशन। और आपके कोर्स में सबसे ज्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है बीटा इलिमिनेशन, आपको सिर्फ बीटा इलिमिनेशन पर ही फोकस करना है, इसका थोड़ा थोड़ा बस आइडिया होना आपको जरूरी है, ठीक है। पूरी कहानी इसी पर घूमेगी, बीटा इलिमिनेशन के इर्द गिर्द, जितना आपको इलिमिनेशन में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो, एच और बी आर हटाएंगे, देखो एच यहाँ पर लगा बगल में, ये तो ये क्या है, वन, तो ये क्या हो जाएगा, टू, ठीक है। तो ब्रोमीन के बगल वाले को अगर अल्फा कार्बन बोलेंगे, अगर ब्रोमीन के बगल वाले को अल्फा, तो हाइड्रोजन वाले को क्या बोलेंगे, बीटा, ठीक है। तो इसको बीटा इलिमिनेशन बोलते हैं, क्लियर होगा। अब आते हैं गामा इलिमिनेशन में, गामा इलिमिनेशन का मतलब था 1-3 इलिमिनेशन। तो देखिए ये रहा मान लो 1, ये क्या है 2 और ये क्या 3, या अल्फा बीटा गामा करो, ये अल्फा ये बीटा तो ये गामा, अगर मैं इसको लेके चलूं इधर चलो तो ये अल्फा बीटा गामा, ठीक है, किसी को भी ले सकते हो, ठीक। तो तीन कार्बन प्रेजेंट है, तो गामा और गामा से हटाना जाए, देखो अल्फा और गामा से हटेगा, तो 1-3 पोजिशन से इलिमिनेशन करवाता है कौन, जिंक, ठीक है। जिंक के बारे में एक लाइन आप याद रख सकते हो कि जिंक आपको कहीं मिले, याद रख लो, हमेशा चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, सबको गायब कर देता है, क्या करता है, सबको गायब कर देता है। दोबारा सुन लीजिए इस लाइन को, ये पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा, जिंक कहीं भी दिखे हीट के साथ, जितने वहां पर हैलोजन लगे हैं उड़ा दो उनको, उड़ा के तब चेक करेंगे। देखो अब मैं क्या लिखता हूं, यहां पर जो CH2 हमने क्या किया, ब्रोमीन उड़ा दिया, ब्रोमीन हटा दिया, ब्रोमीन हटा दिया, कौन ले गया, जिंक। अरे भैया जिंक क्या बनाएगा, Zn2+ क्या बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से ब्रोमीन और ब्रोमीन हटाओगे तो इसको क्या चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाएगा, ब्रोमीन नेगेटिव, ठीक। तो क्या बन जाएगा, ZnBr2, इसके साथ क्या निकलेगा, ZnBr2, ठीक। तो आप बोल सकते हो कहीं भी जिंक दिखे, कहीं भी जिंक दिखे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ब्रोमीन को उड़ा दो, जिंक के साथ उसको चिपका दो, ZnBr2 बना दो, बाकी देखो इस कार्बन की वैलेंसी खाली है, इस कार्बन की भाई, इसकी भी वैलेंसी खाली, इसकी, तो इसको क्या करो, अपने आप में मिला दो इस तरीके से, ठीक। तो इसने क्या किया, ये एक नया बॉन्ड क्रिएट कर दिया, एक नया बॉन्ड क्रिएट कर दिया, कब, जब हमने ब्रोमीन और ब्रोमीन उड़ा दिया इस तरीके से, बात समझ में आई। और हुआ कहां पे, ये 1 पोजीशन थी तो ये 2 था और ये 3 था, क्योंकि 1-2-3 यहां पे ऐसे चलेंगे ना जहां पे ब्रोमीन लगा हुआ है, क्लियर कर रहा है ना भाई। तो ये हुआ गामा इलिमिनेशन, ठीक है। अब हम आएंगे इसमें बीटा इलिमिनेशन और उसके टाइप्स को सीखेंगे, ओके। बीटा इलिमिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, और बीटा इलिमिनेशन 3 टाइप का होता है, E2 इलिमिनेशन, E1 इलिमिनेशन एंड E1CB इलिमिनेशन, ठीक है। E2 का मतलब होता है, 2 का मतलब बाई मॉलिक्यूलर से है, बाई मॉलिक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन, 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन, और E1CB में यूनिमोलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन, और CB का मतलब कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, वाया कॉन्जुगेट बेस या थ्रू कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलोगे, यूनिमोलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन थ्रू कॉन्जुगेट बेस इज नोन एज E1CB रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया बीटा इलिमिनेशन का टाइप, उसमें से हमें पहला पढ़ना है E2 रिएक्शन, जो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, बाई मॉलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन, बाई मॉलिकुलर है, बाई है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, बाई मतलब 2, तो हो जाएगा 2, E2 इलिमिनेशन रिएक्शन या E2 रिएक्शन, ओके। अब हमने एक जनरल रिएक्शन लिखी हुई देख लो यहां पर, ठीक है, CH3CH, यहां पर एक हाइड्रोजन है CHBr और ये CH3, हम क्या कर रहे हैं, ये H और ये Br दोनों हटा करके उसकी जगह पे क्या लिख रहे हैं, एक पाई बॉन्ड लिख रहे हैं, लेकिन ये कब होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा,
इलिमिनेशन रिएक्शंस में हमेशा बेस की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? बेस की। तो कौन सा बेस यूज किया जाता है? अक्सर आपको यह लिखा मिलेगा एल्कोहलिक KOH विथ हीट। क्या लिखा मिलेगा? एल्कोहलिक KOH विथ हीट। ठीक है, अब एल्कोहलिक KOH को आप कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे पहला रिप्रेजेंटेशन देखिए, अगर मैं ये मान लूं कि एल्कोहल वहां पर ROH है। क्या है? ROH एल्कोहल है। एल्कोहलिक KOH का क्या मतलब है? कि एक कंटेनर है, उसमें एल्कोहल पड़ा है, उसमें हम थोड़ा सा क्या डाल रहे हैं? KOH। तो ROH हमारे पास ज्यादा है, मतलब एल्कोहल हमारे पास ज्यादा है, उसमें हम थोड़ा सा बेस डाल रहे हैं। ठीक है, तो ROH क्या हुआ? एल्कोहल विद KOH विद हीट। इसी को दूसरे तरीके से ये लिखा जा सकता है। ठीक है, और अगर इसको फिर से थोड़ा रिवाइज करें तो क्या होगा? ये बेस है ना, OH नेगेटिव के प्लस, OH नेगेटिव के प्लस, OH नेगेटिव ROH का H प्लस उठाएगा तो क्या बनेगा? देखो RO नेगेटिव के प्लस, RO नेगेटिव के प्लस विद हीट। अगर ये भी दिया है तो इसका भी यही मतलब है कि वहां पर क्या दिया है? एल्कोहलिक KOH दे रखा है। शायद बात समझ में आ रही होगी। इस तीन तरीके से लिखा जाता है, RO नेगेटिव के प्लस विद हीट, ROH KOH विद हीट, एल्कोहलिक KOH विद हीट। ये कहीं भी मिले समझ जाइए E2 इलिमिनेशन होने वाला है। यहां E2 इलिमिनेशन के अंदर जो हम बेस लेते हैं वो एनायनिक बेसिस होते हैं। एनायनिक बेसिस का मतलब देख लीजिए, ऐसा बेस जिस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। ठीक है ना, क्योंकि भाई वाटर भी तो बेस हो सकता है ना कहीं पर, लेकिन वाटर तो न्यूट्रल है, इस वजह से एनायनिक होना जरूरी है E2 इलिमिनेशन के अंदर। धीरे धीरे एक पॉइंट पकड़ेंगे हम। अब इसके मैकेनिज्म पे आते हैं, भाई ये कैसे ये काम हो जाता है। तो देखिए मैकेनिज्म देखने की कोशिश करिए। अब मैं ये रिएक्टेंट यही ले लेता हूं, अब इसके आगे मैकेनिज्म लिखूंगा। ठीक है, तो ये पार्ट मैकेनिज्म का होगा। देखिए होता क्या है कि E2 इलिमिनेशन में ये RO नेगेटिव वाला जो ये नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट यहां से H प्लस उठाता है। क्या उठाता है? H प्लस। तो क्या होगा? देखिएगा RO नेगेटिव, ये नेगेटिव क्या कहां जाएगा? H प्लस के पास। ठीक, और H प्लस तभी बनेगा ना जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएं? ये आगे कार्बन कार्बन के बीच में, और ये कार्बन और ब्रोमीन के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएं? ब्रोमीन पर। एक एक स्टेप ध्यान से सुनना। ये देखिए RO नेगेटिव कहां जा रहा है? ये RO नेगेटिव हाइड्रोजन उठाने जा रहा है H प्लस। ठीक, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं? कार्बन कार्बन के बीच में, और ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके चला जा रहा है। तो देखिए क्या हुआ, ROH बन गया। क्या बना? माइनस ROH। ठीक, क्योंकि यहां से हमने H प्लस उठाया, और बाद में क्या निकलेगा? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन नेगेटिव, तो वो भी लिख ले रहा हूं मैं Br नेगेटिव। तो ROH निकला और यहां से Br नेगेटिव निकला। तो बना क्या? देखिएगा इस लाइन को समझिए ध्यान से। प्रोडक्ट मैं डायरेक्ट बना सकता हूं, लेकिन मैं उसको एक ट्रांजिशन स्टेट से गुजारूंगा, क्योंकि हर रिएक्शन एक ट्रांजिशन स्टेट से गुजरती है। इसके पिछले वीडियोस में बहुत क्लियर हमने समझा रखा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा इसको ध्यान से सुनिए। अब मैं यहां क्या लिख रहा हूं? CH3, बल्कि मुझे ये लाइन यहां नहीं लिखनी चाहिए, इलिमिनेशन के बाद लिखनी चाहिए। ठीक है, ये बाद में लिख लेंगे, बस चीजें आपको समझ में आ जाए कि क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। तो देखो CH3 कार्बन हाइड्रोजन, जो बॉन्ड नहीं टूट रहे हैं उसको ट्रांजिशन स्टेट लिखते वक्त वैसा ही लिख दो। देखो इसमें से कोई बॉन्ड टूट रहा है क्या? नहीं टूटेगा। अभी तो बता रहा था भाई, ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा और ये नया बॉन्ड बनेगा, तो इस पर तो कोई असर नहीं आ रहा है। लेकिन कहां असर आएगा? देखिए हाइड्रोजन को कैसे बना दो, ऐसा डॉटेड लाइन से, और इसको किससे जोड़ दो? ऑक्सीजन से। ठीक, ऑक्सीजन और R के बीच में तो पूरा बॉन्ड बनाइए। पूरा बॉन्ड क्यों बनाइए? क्योंकि ये तो नहीं टूट रहा है। जो बॉन्ड या तो टूटे या तो बने उसी को डॉटेड लाइन से बनाते हैं इन ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो इस तरीके से बनाया। अब देखो कार्बन और कार्बन के बीच में हम क्या लाएंगे? डॉटेड लाइन। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? फॉर्मेशन। बात समझ आ रही है? अब फिर ये भी टूट रहा है, इसका मतलब क्या बनाएंगे? डॉटेड लाइन, ब्रोमीन। शायद बात समझ में आ गई होगी कि देखिए ये बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। इसको थोड़ा इज्जत से लिखा जाता है, ये क्या है हमारा? ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, इसे घेर दो। अब इसमें थोड़ी बात ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीजन इसे कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर्मेशन। तो मैं लिख दे रहा हूँ F। यहाँ देखो बॉन्ड बन रहा है ना, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, लेकिन इनके बीच में बॉन्ड टूट रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? ब्रेकिंग। ये फॉर्मेशन, ये ब्रेकिंग। अब इन दोनों के बीच में ये डॉटेड लाइन क्या बनाएगा? फॉर्मेशन। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन यहाँ लाओगे तो पाई बॉन्ड बनेगा ना, देखो पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पर फॉर्मेशन, तो ये क्या होगा? ब्रेकिंग। बात समझ में आई? ठीक, फॉर्मेशन ब्रेकिंग, फॉर्मेशन ब्रेकिंग। तो ट्रांजिशन स्टेट में ऐसा ही चलता है। ठीक, तो ये ट्रांजिशन स्टेट बन गया। अब देखिए क्या होगा, अब
अब हम लिख सकते हैं कि ये R O और यहां से उसने क्या उठा लिया H, तो क्या निकल गया R O H, हमने क्या निकाल दिया R O H, ठीक है। ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया फॉर्मेशन, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन यहां से बॉन्ड तोड़ लिया तो ये निकल के बाहर आ गया, क्या है देखो इतने को ढक दो तो क्या बना है R O H, ठीक। अब यहां भी ब्रेकिंग हो रही है तो इसको ढक दो तो क्या निकला बी आर नेगेटिव, क्या निकलेगा बी आर नेगेटिव, बात समझ आ रही है। और बॉन्ड का फॉर्मेशन कहां पे हुआ, इन दोनों के बीच में क्या हुआ बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो क्या बना सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी एस थ्री, ठीक है। देखो भाई यहां के अलावा ये वाला बॉन्ड भी टूट गया, ये वाला बॉन्ड भी टूट गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए प्रोडक्ट यही है, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। यहां से हम क्या बना रहे हैं एक स्टेप में ही ये बन जा रहा है, ठीक है। देखिए डायरेक्टली, अब देखिए आर ओ नेगेटिव अटैक करता है एच ले जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आता है और ये निकल जाता है, इस तरीके से ये सिंगल स्टेप में बन जाता है। किसी भी एक स्टेप की मैकेनिज्म में, किसी भी एक स्टेप की मैकेनिज्म में सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट होता है, तो जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उतने ही ट्रांजिशन स्टेट होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स यहां पे कितने इन्वॉल्व हुए, एक हुए, ठीक। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ स्टेप्स एक हैं तो ट्रांजिशन स्टेट एक ही होंगे, तो जब आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे तो उसमें सिर्फ एक जंप दिखाएंगे क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट सिर्फ एक बन रहा है, जो बोल रहा हूं उसको भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा मैं। फिलहाल आप यहां फोकस करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ला रहा हूं मैं आपको, ये मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं पढ़ाया था, मैं यहां पर समझाऊंगा आपको ट्रांजिशन स्टेट के बारे में। देखिए अब अपना पूरा दिमाग लगाइए फॉर्मेशन पर, यहां इस वाले पार्ट पर, मैं ब्रेकिंग वाले को थोड़ा देर के हटा रहा हूं, ठीक है, मैं सिर्फ फॉर्मेशन देखना चाह रहा हूं, अब थोड़ी देर के लटा रहा हूं भाई ब्रेकिंग, ठीक है, ये डॉटेड लाइन में थोड़ी देर के लटा रहा हूं, बाद में फिर लिख दूंगा। अब आप इतने पर फोकस करो जो ये एल्कीन ट्रांजिशन स्टेट में बन रहा है। अच्छा एक बात बताओ ये एल्कीन है या नहीं है, ऑब्वियसली है, देखो एल्कीन दिख रहा है सी एच थ्री सी एच और यहां पर भी सी एच, एक सिंगल बॉन्ड जो कि सिग्मा है और ये फॉर्मेशन किसका हो रहा है पाई बॉन्ड का, इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट हमारा कैसा है, ट्रांजिशन स्टेट एक्चुअली एल्कीन है, ट्रांजिशन स्टेट में क्या बन रहा है एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो लिख सकते हो कि ट्रांजिशन स्टेट में एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब सवाल पूछा जाता है कि बताओ कौन सा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड या मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो आपको पता होना चाहिए पहले कि कोई भी एल्कीन, सुनिएगा इस लाइन को, कोई भी एल्कीन जब मोर सब्स्टिट्यूटेड होती है, जब मोर सब्स्टिट्यूटेड होती है तो वो ज्यादा स्टेबल होती है, वो क्या होती है ज्यादा स्टेबल होती है, जब एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड होती है तो वो ज्यादा स्टेबल होती है, क्यों होती है ये जीओसी में पढ़ा रखा है, क्योंकि हम वहां बोलते हैं वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, ठीक है। तो एक एल्कीन जब मोर सब्स्टिट्यूटेड है वो क्या होती है स्टेबल होती है, ठीक है। अब हमारा ट्रांजिशन स्टेट कब स्टेबल होगा, जब मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एल्कीन लाइक बिहेवियर है, तो लिख सकते हो ट्रांजिशन स्टेट हैज एल्कीन लाइक बिहेवियर, ठीक है, एल्कीन लाइक बिहेवियर ट्रांजिशन स्टेट के अंदर एक एल्कीन लाइक बिहेवियर होता है, और कोई भी एल्कीन तब स्टेबल होता है जब वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि कोई भी ट्रांजिशन स्टेट तब स्टेबल होगा जब वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, जब वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, बात क्लियर है। मैंने यहां पर तीन रिएक्शंस लिखी हैं, एक ये है और एक ये और एक ये है, ठीक है। इस पर सब पर एल्कोहलिक KOH विद हीट दिया गया है, एल्कोहलिक KOH विद हीट, एल्कोहलिक KOH और हीट को देख करके क्लिक करना चाहिए ये E2 मैकेनिज्म लगने वाला है, ठीक है। इस पर मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि रेट ऑफ द रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी, सब में इलिमिनेशन होगा, सब में एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन कौन जल्दी बनाएगा, रेट किस में ज्यादा है, इस बात को कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे इस बात को, तो रेट को पता करने का तरीका होता है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, जिसका ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा वो एल्कीन का फॉर्मेशन जल्दी करेगा, ठीक है। पहले ही सबका ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, बाद में उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं, चलिए देखते हैं। यहां पर ट्रांजिशन स्टेट जब बनाओगे एल्कोहलिक KOH से, मान लो यहां से क्या निकला आर ओ नेगेटिव, क्या निकला आर ओ नेगेटिव, भाई एल्कोहलिक KOH में हमें पता नहीं होता ना कि अल्कोहल कौन सा है, अगर मान लो एक जनरल रिएक्शन मान लो आर ओ नेगेटिव के प्लस, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये क्या करेगा यहां से एच प्लस लेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां देगा यहां पर और ये निकल के बाहर आ जाएगा। सेम वे में एल्कोहलिक KOH यहां पर भी आर ओ नेगेटिव ले लो, आर ओ नेगेटिव यहां से एच प्लस लेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन पर चले जाएंगे। सेम तरीका आर ओ नेगेटिव लीजिए, एच प्लस उठाइए, इसको यहां लाइए, ब्रोमीन बाहर कर दीजिए, ठीक है। अब सबका पहले ट्रांजिशन स्टेट बनाइए, ट्रांजिशन स्टेट में क्या बनाओगे, देखो सी एच टू
ठीक सिंगल बॉन्ड CH2, फिर क्या लिखोगे डॉटेड लाइन ब्रोमीन, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे डॉटेड लाइन हाइड्रोजन, बाकी मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, तीन पार्ट दिखाऊंगा सिर्फ जहां से मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक। तो ये हो जाएगा, फिर अगले वाले में क्या होगा, ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन लिखोगे डॉटेड लाइन कार्बन, इसके पीछे देखिए इस कार्बन पे कितने कार्बन है, एक CH3 और जुड़ा है, तो हमने क्या लिख दिया इस पर CH3, ठीक। इस कार्बन पे एक CH3 और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, चलो हाइड्रोजन लिख लो, फिर सिंगल बॉन्ड लिख लो, ठीक। सिंगल बॉन्ड के बाद अब यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मेशन, फॉर्मेशन फिर क्या लिखोगे CH, फिर यहाँ पर आगे CH3 लिखा हुआ इस कार्बन पर भी, तो यहाँ पे लिखिए CH3, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा ब्रोमीन, यहाँ पर आपको क्या लिखे ब्रोमीन, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट ऐसा बनेगा, इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाओ, ठीक है, टाइम लेकर के समझ लो, क्योंकि एक बार समझ में आ गया फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर से यहाँ पे CH3, ठीक है, डॉटेड लाइन क्या करोगे हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और उस पर क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, उस पर क्या है CH3 और डॉटेड लाइन से क्या जोड़ दो Br, और दो कार्बन के बीच में भी क्या रहेगा डॉटेड लाइन, इस तरीके से बात समझ में। ओके देखिए हमें पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है फॉर्मेशन, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है फॉर्मेशन, कार्बन कार्बन के बीच में फॉर्मेशन, फॉर्मेशन और किनारे क्या होगा ब्रेकिंग, ब्रेकिंग यहाँ पे क्या लिखोगे ब्रेकिंग, ब्रेकिंग सेम वे में यहाँ ब्रेकिंग, ब्रेकिंग यहाँ पे भी ब्रेकिंग और यहाँ पे भी ब्रेकिंग, बात समझ आ रही है, ठीक। अब इस ट्रांजिशन स्टेट को ध्यान से देखो, अच्छा कहीं दिमाग में तुम्हारे ये तो नहीं आ रहा ना भाई कि कार्बन की वैलेंसी एक्सीड कर गई, सर देखो एक दो तीन चार पांच नहीं, ये डॉटेड लाइन मिला के सिर्फ एक बॉन्ड हुआ, अभी आधा आधा बॉन्ड टूटा हुआ है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट इसको बोलते हैं। तो हुआ क्या, देखिए इस कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड का करेक्टर है, डबल बॉन्ड को ज्यादा स्टेबल कब करते हैं हम, जब उस पर मोर सब्स्टिट्यूशन हो, तो देखो सब्स्टिट्यूशन कहां पे ज्यादा है, इस डबल बॉन्ड पे सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन, कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट में, इस ट्रांजिशन स्टेट में पहली बात तो ये पता होगी ये ट्रांजिशन स्टेट लिखा गया है, ठीक है, ये इस रिएक्शन का ट्रांजिशन स्टेट है, ये इसका और ये इसका, इस ट्रांजिशन स्टेट में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तीन ये और ये तीन, तो नाइन थ्री थ्री एंड थ्री, ठीक है, नाइन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर कितने नाइन अल्फा हाइड्रोजन है, थ्री थ्री एंड थ्री, यहाँ पर कितने थ्री एंड थ्री, सिक्स अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर तो जीरो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, जहां पर जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है, तो ये वाला ट्रांजिशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट में, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट में थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकंड वाला स्टेबल है और सबसे लास्ट में आता है पहला वाला, ठीक है, देख लो यहां पे देखकर क्या बता सकते हो कि ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। अच्छा एक बात याद रखना कि स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट से ही हम रेट निकालते हैं, और जितना ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होता है ना उतनी ज्यादा रेट आती है, जितना ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होता है उतना ज्यादा रेट आती है। तो आपसे पूछा जाए इसमें इलिमिनेशन की रेट बताइए, तो रेट क्या करिए वही जो ऊपर आपने लिखा है उसी को लिख दीजिए, ठीक है, तो क्या लिखोगे यही रेट ऑफ द रिएक्शन होगी, मतलब एल्कीन का जब ये लोग फॉर्मेशन करेंगे, ये क्या कौन सा एल्कीन बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कौन सा एल्कीन बनाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या बनेगा CH3, ये क्या बनाएंगे भाई साहब, इनका H और Br को क्या करो ब्रेकिंग करवा दो, क्या बचा कार्बन, उस पर क्या लगेगा CH3 डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या रहेगा कार्बन हाइड्रोजन और क्या रहेगा CH3, ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या। ओके तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट से एक्चुअली रेट निकाला जाता है। देखो आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर आप डायरेक्टली ये क्यों नहीं बोल देते कि एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, तो एल्कीन ज्यादा स्टेबल है तो उसकी रेट ज्यादा होगी, ऐसा एक्चुअली नहीं बोला जाता, मैं बताता हूँ क्यों। अब क्यों का जवाब सुनो कि आखिरकार हमने ये लाइन क्यों बोल दी कि स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट और रेट दोनों प्रोपोर्शनल है। आप समझिएगा इस लाइन को, भरपूर कोशिश करूंगा कि आपको ये दिमाग में आपके चला जाए, ठीक है, बहुत टाइम लगता है इस बात को सीखने में लेकिन चंद सेकंड में आप सीखेंगे। देखिए कैसे, अगर मैं मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि वन टू थ्री के स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि ये क्या है एल्केन टाइप के बिहेवियर वाले हैं, ठीक है, एल्केन टाइप के बिहेवियर वाले हैं क्योंकि एल्काइल हैलाइड है, तो इसमें मैं इसी किसी को भी वन टू थ्री कहीं भी लिख दीजिए, ये कोई मैटर नहीं करता, एल्केन की स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन होती कभी भी, ठीक है, तो आप कभी भी कहीं भी लिख सकते हो कि वन ये हो गया टू, ठीक, उसमें से कोई भी मान लो थ्री वन टू थ्री, ऐसे रैंडम मैंने मान लिया है, ठीक है, आप चाहो तो सबको बराबर भी ला सकते हो कि चलो भाई लो अब मैंने सबको बराबर ही लिख दिया कि सबकी स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, तो एक बेल्ट में गैप दिखेगा, ठीक, बस समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ वाली इस वाली लाइन पर क्या लिखा जाता है पोटेंशियल एनर्जी,
क्या लिखा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी, और इस पे लिखते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, क्या लिखते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। जब मैं पढ़ता था कई दिन तक यही नहीं समझ में आता था रिएक्शन कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है। एक्चुअली रिएक्शन कोऑर्डिनेट आपके हिसाब से चुना जा सकता है। जैसे मैं ये कहूं कि टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर रिएक्शन कहाँ है, यहीं पर, तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो रिएक्टेंट तो यहाँ रहेगा लेकिन धीरे धीरे किधर जाएगा, वो प्रोडक्ट साइड जाएगा, ठीक है। तो आप टाइम ले सकते हो या क्या ले सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो है लेकिन यहाँ जाने पर क्या होगी, कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। क्लियर है? ओके, अब इस 1 2 3 में देखो भाई, ध्यान समझना इस लाइन को, क्योंकि ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है तो सिंगल स्टेप में एक ट्रांजिशन स्टेट आता है। एक ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनाओगे, देखो एक ऐसे बना लो प्रोडक्ट, वन बन गया, ठीक है, दूसरा मैं बना लेता हूं ऐसे, तीसरा बना लेता हूं ऐसे, कितनी बात समझ में, ठीक। आप देखिएगा, आप ध्यान समझना, समझने वाली बातें हैं ये, इनमें से कुछ भी रटने लायक नहीं है, ठीक है। देखो एक का ट्रांजिशन स्टेट यहाँ आएगा, एक का ट्रांजिशन स्टेट यहाँ आएगा और एक का ट्रांजिशन स्टेट यहाँ आएगा। इस पर आपने पोटेंशियल एनर्जी लिखा है, तो जितनी कम पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। इतनी बात तो पता है ना यार, एनर्जी और स्टेबिलिटी इन प्रोपोर्शनल रिलेशन में होते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी कम होगी बताइए, इसमें सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, ट्रांजिशन स्टेट 3 की, ट्रांजिशन स्टेट 3 की सबसे ज़्यादा होगी। ये वाला क्या होगा भाई, ट्रांजिशन स्टेट 3, थर्ड वाली का ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे नीचे होगी। क्यों सबसे नीचे होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल, और जो सबसे ज्यादा स्टेबल उसकी एनर्जी कम होती है, ठीक। और ये वाला ट्रांजिशन स्टेट किसका होगा, ये वाला ट्रांजिशन स्टेट किसका होगा, 2 वाले की, ट्रांजिशन स्टेट ऑफ 2। और ये वाला ट्रांजिशन स्टेट किसका होगा, जो बच गया, ट्रांजिशन स्टेट 1, जो कि अनस्टेबल है। अब बात समझने की कोशिश करो, ट्रांजिशन स्टेट 3, ट्रांजिशन स्टेट 3 की एनर्जी क्या है, यहीं पे है। ट्रांजिशन स्टेट 2 थोड़ा ऊपर, 1 और ऊपर। अब एक बात बताओ, चलना तुमको एक ही जगह से है, अब ये पहाड़ी तुमको कूदनी है तो सबसे आसानी से कौन सी पहाड़ी कूद लोगे, ट्रांजिशन स्टेट 3 वाली। ये पहाड़ी तुम जल्दी कूदोगे, ये वाली थोड़ी देर बाद कूदोगे, ये बहुत लेट कूदोगे। तो रेट कौन से में ज्यादा होगी भाई, जिसमें आप जल्दी कूदोगे, जल्दी का मतलब ही तो रेट होता है यार, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से बताते हैं, रेट जो शब्द है ना वो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट से उसका कोई खास लेना देना नहीं है। प्रोडक्ट के स्टेबल होने से हम ये बताते हैं एनर्जी निकलेगी, एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी, ये बताते हैं किससे, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से। लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्शन की रेट बताई जाती है, क्योंकि जिस रिएक्शन को कम जंप मारना होगा वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, जिसको इतना भारी जंप मारना पड़ेगा वो तो बहुत टाइम लेगा कन्वर्ट होने में। बात समझ आ रही है ना, शायद आपको ये सारी लाइनें कन्फर्म पता चल गई होंगी, आई होप सो, ठीक है। अच्छा मान लो एक सवाल पूछता हूँ आपसे, ये 1 2 3 इन तीनों एल्कीन में ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा है, इन तीनों एल्कीन में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो मजेदार है, देख लीजिए आसान सा, 9 अल्फा हाइड्रोजन मेरे भाई, यहाँ पे कितना 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो जिस एल्कीन के पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से कौन ज्यादा है, तो ये पता चला कि थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी, ठीक है। इसको मिक्स मत करिए इसके साथ, ये अलग से समझिए कि स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा, थर्ड वाले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर सेकंड वाले की, फिर फर्स्ट वाले की। बात समझ में आई, थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। अब मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे ताकि आप जो ये प्रोडक्ट बनाया ना आपने, देखिए ये रिएक्टेंट होता है, ये ट्रांजिशन स्टेट होता है, ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट का रीजन होता है, क्योंकि टाइम टी इज इक्वल टू जीरो गुजरने के बाद क्या आएगा, बाद में क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ना, ठीक है। तो आप बताइए इनमें से थर्ड सेकंड फर्स्ट कौन सा है, नीचे वाला क्या होगा, थर्ड, क्यों, क्योंकि जो चीज स्टेबल है, जो चीज स्टेबल है उसकी एनर्जी कम होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड था, इसके बाद बीच में कौन आता है, सेकंड, तो ये वाला कौन हो जाएगा, सेकंड, सबसे लास्ट में कौन आएगा, 1। अरे बोलो भैया, थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है इसलिए उसकी एनर्जी नीचे, सेकंड, फिर फर्स्ट आएगा। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। मैं थोड़ा काइनेटिक्स पर लौट के आता हूँ, E2 मैकेनिज्म के। अब हम E2 रिएक्शन के काइनेटिक्स की बात करेंगे, काइनेटिक्स में रेट वगैरह के बारे में ढंग से पढ़ेंगे, देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन मैंने लिख रखा है, कि ये रिएक्शन मैंने बार बार लिखा हुआ है तो आप जल्दी समझ सकेंगे, कि देखिए क्या है, C2H5O-K+, तो अटैक कौन करेगा, O नेगेटिव, किस पर करेगा, हाइड्रोजन पर, ठीक है। E2 एलिमिनेशन है, विद हीट लिख देता हूँ, ठीक है।
तो यहां से क्या होगा, वो एच प्लस ले जाएगा और यहां का दोनों इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ जाएगा, इस पर, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, आयोडीन। ठीक है, इस तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से अल्कोहलिक केएच लिखा है यहां पर, लेकिन अल्कोहल कौन सा है, C2H5OH विद KOH। इसी चीज को आप अगर इस तरीके से लिख दिया जाए C2H5OH विद KOH, तब भी वही है जो ऊपर लिखा गया है भाई। ठीक है, इससे यही बना पाओगे। ठीक, अब ये जो E2 रिएक्शन लिखी गई है उसमें कितने स्टेप हैं, एक स्टेप है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन इज 1। ठीक है, मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर, वैसे मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। मॉलिकुलरिटी का मतलब कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन करते वक्त। ठीक है, तो देख लीजिए, एक तो ये बेस इन्वॉल्व हो रहा है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, तो सबस्ट्रेट और वो बेस ये दोनों एक दूसरे से इन्वॉल्व हो रहे हैं तभी रिएक्शन हो पा रही है, तो मॉलिकुलरिटी कितनी आएगी, 2 आएगी। ये जो ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटली निकलता है, जब आप काइनेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, काइनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप मान लीजिए कि मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर दोनों सिमिलर होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन के हिसाब से। ठीक है, मानना है ये, रेट के हिसाब से देखिए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि रेट किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो देखो हमें पता है कि दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, किसके किसके, इस एल्काइल हैलाइड की और इस बेस, दोनों की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तभी इस, ये किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगी भाई, जब रिएक्शन ही दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं तो रेट पर प्रभाव डालेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रेट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन। ठीक है, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस, एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस, बेस की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। आप सोचो बेस ही ना हो तो तुम्हारे पास क्या रिएक्शन होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ बेस 0 रखोगे तो रेट 0 हो जाएगी, क्योंकि बेस जरूरी है तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो बेस और एल्काइल हैलाइड दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है रेट ऑफ E2 रिएक्शन, याद रखना। इसीलिए ये 2 जो मॉलिक्यूलरिटी का 2 है इसीलिए E2 लिखा जाता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है, ये 2 क्या है, मॉलिक्यूलरिटी बताने के लिए होता है। ठीक है, E2 रिएक्शन में आप बोलोगे, अब मान लो एक सवाल पूछता हूं कि मैं आपसे अगर ये सवाल करूं कि बेस की कंसंट्रेशन को अगर 4 गुना कर दिया जाए तो E2 रिएक्शन के अंदर रेट पर क्या इफेक्ट आएगा, तो आप तुरंत यहां पर देख लो, अगर इसको 4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रेट भी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 4 गुना रेट भी हो जाएगा अगर कंसंट्रेशन आप बेस बढ़ाते हो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन भी 4 गुना कर दो, बेस की कंसंट्रेशन भी 4 गुना कर दो, तो 4 मल्टीप्लाइड 4 रेट कितना हो जाएगा, 16 गुना बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या, ओके। ऐसा सवाल आता है एक्चुअली, अब पूछा जाता है कि आप बताइए बेस किस कैटेगरी का लोगे, क्या वीक बेस लोगे या स्ट्रॉन्ग बेस लोगे, तो निश्चित रूप से हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस की आखिर जरूरत क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस अगर लोगे तो वो जल्दी से H+ हटा देगा, और जितना जल्दी H+ हटाएगा उतनी जल्दी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो बेस की हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग बेस को पहचानोगे कैसे, तो उसको पहचानने का तरीका क्या होगा, वो एनायनिक होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, एनायनिक बेस होना चाहिए। जैसे क्या लिखा जाएगा, RO-, जैसे RO- एक बेस है K+। ठीक है, या क्या लिख दिया जाए, जैसे KOH with किसी अल्कोहल लिख दो, विद अल्कोहल। ठीक है, या क्या लिख दिया जा जाए, NaNH2, Na+ NH2 नेगेटिव, NaNH2 सोडामाइड, इसको क्या बोलते हैं, सोडामाइड। ठीक है, तो सोडामाइड तो बहुत शानदार बेस है, क्योंकि नाइट्रोजन पर नेगेटिव है, और नाइट्रोजन पर नेगेटिव है तो बहुत शानदार बेस होगा, क्यों, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है H+ को। ठीक है, इसी तरीके से कुछ भी लिख दो, जैसे सोडियम एलिमिनेशन रिएक्शन करवानी है तो नाइट्रोजन पर क्या कर दो, सब्स्टिट्यूटेड कर दो। ठीक, यहां पर Na+ नाइट्रोजन पर, इस तरीके से नेगेटिव। ठीक, तो ये भी किस तरीके का काम करेगा, बेस का काम करेगा। चलिए आपको एक बेस बताता हूं मैं, LDA बोलते हैं, LDA लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, लिथियम, इस चीज को आप लिखिए कॉपी में, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। तो देखिए लिथियम शब्द है तो कैसा होगा, लिथियम मतलब Li+। ठीक है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, नाइट्रोजन लिखो, इस नाइट्रोजन पर क्या लगा दो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दो। आइसोप्रोपाइल का मतलब होता है वी बनाना, इस तरीके से। ठीक है, या सेकेंडरी कार्बन का नाइट्रोजन से कनेक्शन बना देना, तो ये कितनी बार है, 2 टाइम, तो क्या हो जाएगा, ये डाई शब्द लिखा जाएगा। तो लिथियम डाई मतलब 2 बार, डाई आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया, और एमाइड तो नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या है, LDA एक बेस है, LDA क्या है, एक
बेस है, और ये कैसा बेस है, बल्कि बेस है। बल्कि बेस का मतलब क्या होता है, बल्कि बेस, बल्कि मतलब इसकी सकल सूरत देखो, नाइट्रोजन पर इतने सब्स्टिट्यूशन है, मतलब वो छोटा नहीं है, बड़ा बेस है, ठीक है, सकल सूरत से बड़ा दिख रहा है, इसको बल्कि बेस बोलते हैं। बाय द वे मैं एक शब्द यूज करूंगा, उसको सुनना, क्या है ये एलडीए, एक नॉन न्यूक्लियोफिलिक, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है। क्या बोल रहा हूं, एलडीए इज ए नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, मतलब ये कभी भी एलडीए इतना बड़ा ग्रुप लेकर के, ये नाइट्रोजन कभी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता, क्योंकि इतना बड़ा न्यूक्लियोफाइल किसी सेंटर पे अटैक कर ही नहीं पाएगा। मतलब एलडीए कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं करवाएगा, एलडीए कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं करवाएगा। लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड कभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं कराता, क्यों, क्योंकि वो कैसा होता है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है, सिर्फ और सिर्फ बेस का काम कर सकता है। कभी एलडीए दिखे तो समझ जाइए, क्लियर है, ओके। तो एनायनिक बेसिस स्ट्रांग होते हैं, इसलिए हम इसको ऐसा यूज करेंगे। अगला है रिएक्टिविटी ऑर्डर, इस पर थोड़ी चर्चा हम कर चुके हैं। आरएक्स में देखो, आरएक्स में हम दो तरीके से वैरी करा सकते हैं, या तो हम एक्स को वैरी करा लें, या तो हम आर को वैरी करा लें। अगर हम आर को वैरी कराएंगे तो कैसा होगा, आर या तो 3 डिग्री होगा, या 2 डिग्री, या 1 डिग्री। तो हमें पता है कि 3 डिग्री वाला ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू 2, विद रिस्पेक्ट टू 1। रेट का ऑर्डर क्या आएगा, 3 डिग्री अगर आर होगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ज्यादा रेट आएगा विद रिस्पेक्ट टू 2, विद रिस्पेक्ट टू 1। लेकिन अगर मैं एक्स को बदल दूं, एक्स यहां पे क्या लिखूं, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन एंड फ्लोरीन, इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैसे जवाब देंगे, लीविंग ग्रुप एबिलिटी से, लीविंग ग्रुप एबिलिटी, जल्दी लीव करके कौन जाएगा, आयोडीन, बाद में कौन जाता है, ब्रोमीन क्लोरीन एंड फ्लोरीन। पिछली वीडियोस में बहुत बार हो चुका है ये चीज, ठीक है। तो आयोडीन ये हमेशा ही रहता है, लीविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर यही रहता है, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो और कुछ प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा और पार्ट देखते हैं, तब हमें समझ में आएगा E2 रिएक्शन के बारे में। वीडियो के लास्ट में मैं थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ा देता हूं आपको, देख लीजिए। स्टीरियो केमिस्ट्री में आप देखिए PHCH CH CH3 I और H लिखा हुआ है, ठीक है। एल्कोहलिक KOH है, हीट दिया गया है, E2 इलिमिनेशन होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि E2 इलिमिनेशन कराने में ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला आयोडीन इस लाइन के एक ऊपर है, एक नीचे है, ठीक है। नीचे की तरफ क्या लगा है, आयोडीन, इसके ऊपर की तरफ क्या लगा है, हाइड्रोजन, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी पेरिप्लेनर, क्या बोला जाता है, एंटी पेरिप्लेनर, ठीक है। इसको इस टाइप के बिहेवियर को बोलते हैं एंटी पेरिप्लेनर होना, किसका, H और I, H और आपका लीविंग ग्रुप, H और आपका लीविंग ग्रुप क्या है, एंटी पेरिप्लेनर। एंटी मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट, ठीक है। पेरिप्लेनर का मतलब एक प्लेन में, एक प्लेन से एक ऊपर तो एक नीचे, तो एंटी पेरिप्लेनर शब्द यूज होता है E2 मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो बोला जाएगा कि एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए कौन, H I जो होता है, ये H और ये I एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए, तभी E2 मैकेनिज्म होगा, तभी E2 मैकेनिज्म होगा। इसका एक्सप्लेनेशन जो होता है, क्यों का जवाब है MOT के अंदर, और शायद आपके लिए थोड़ा कठिन पड़ेगा, इसलिए मैं उसको उस लाइन को यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्लेडन बुक में लिखा है, आप जाके देख सकते हो बस, ठीक है। अब मेरी समझ ज़्यादा जरूरत नहीं है, फिलहाल इस पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। एच और आई क्या होते हैं, इस तरह इलिमिनेट कर दिए जाते हैं, और पीएच क्या बनता है, सीएच डबल बॉन्ड सीएच, और यहां पर क्या लिखा है, CH3, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन एच और आई क्या होगा, जब एंटी पेरिप्लेनर होगा तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। इसके बारे में, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में मैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, और इसके बारे में बता दूंगा क्यों का जवाब मैं अगली वीडियो में दे दूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, ठीक है। फिलहाल देखते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास ये सवाल आ जाए कि बताइए कि C2H5O- K+ और हीट क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपके पेपर में मान लीजिए आ गया, क्या जवाब देंगे, सोचिए। यहाँ पर ब्रोमीन है, ठीक है, हीट दिया, अब इतना कंफर्म है ना यार, E2 इलिमिनेशन होगा, E2 इलिमिनेशन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का। अगर एल्कीन का फॉर्मेशन करना है तो हमें H और Br हटाना पड़ेगा, लेकिन H और Br E2 मैकेनिज्म में कब हटेगा,
एच और बी आर तब हटेगा जब एच बी आर एंटी पेरिप्लेनर हो। अब इसमें एच बी आर एंटी पेरिप्लेनर कहाँ है ढूंढ लो, ठीक है। सी एस थ्री क्या है अबव साइड, तो हाइड्रोजन कहाँ होगा बिलो साइड, इस पर जो बचा हुआ हाइड्रोजन क्या है बिलो साइड। इस तरफ देखो सी एस थ्री खुद क्या है नेगेटिव नीचे की तरफ, तो हाइड्रोजन कहाँ आएगा भाई ऊपर की साइड, हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा इसमें, हाइड्रोजन इसमें अबव साइड, ठीक, यहाँ बिलो साइड यहाँ अबव साइड। अब देखो एंटी पेरिप्लेनर कब होगा, इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये एच नीचे है और ये बी आर ऊपर है। अरे भाई इसका मतलब तो समझ में आता होगा, ये डैश लाइन है ये वेज लाइन है, वेज लाइन का मतलब टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, जैसे आप वहां से देख रहे हो तो ब्रोमीन आपको इस तरह से देख रहा है और ये वाला हाइड्रोजन पीछे की तरफ है, तो ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ है ब्रोमीन इस तरफ है, इसका मतलब क्या है ये एंटी पेरिप्लेनर है। तो ये एच और ये बी आर एंटी पेरिप्लेनर है, इस वजह से जो ये सी टू एच फाइव का ओ नेगेटिव है अटैक करेगा और यहाँ का दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ब्रोमीन बाहर भाग जाएगा, ठीक है। दोबारा सुनिए, एच कौन खींच लेगा ये, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेगा इसके बीच में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, प्रोडक्ट बनाइए, प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड आएगा इस साइड, डबल बॉन्ड इस साइड, इस पर क्या रहेगा प्रेजेंट CH3, लेकिन CH3 अब अबव साइड हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अब कार्बन कैसा हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड और sp2 हाइब्रिडाइज्ड में कैसा होता है प्लेनर, तो CH3 प्लेन में आ गया, ठीक है। और ब्रोमीन तो हमने उड़ा दिया हटा दिया, एच और बी आर, लेकिन इस पर कोई असर नहीं पड़ा, ये जैसा था वैसा पड़ा रहेगा, यहां पे क्या लिख सकते हो CH3, यहां अबव साइड में क्या रहेगा हाइड्रोजन, आप गलती से भी ये अबव वाला हाइड्रोजन और ये अबव साइड वाला ब्रोमीन मत हटाना, क्योंकि ये दोनों तो सिन साइड में है, सिन मतलब सेम साइड में, दोनों ही टुवर्ड्स ऑब्जर्वर देख रहे हैं क्योंकि दोनों में ही वेज वेज बना हुआ है। अरे बात समझ में आ रही है क्या जी, तो ये हाइड्रोजन ये ब्रोमीन कभी एलिमिनेट नहीं होगा, सिर्फ ये एच और ये बी आर एलिमिनेट होगा, तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट आपके सामने आएगा, ठीक है। आई होप आपको आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया है, अगले वीडियो तक आप कनेक्ट रहिए हमारे साथ, हम आपको कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे ई2 मैकेनिज्म के अंदर, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।